तो भाई लोग आज की वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई लोग आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल क्यों है। ठीक है, तो देखो बेसिकली आज के इस वीडियो को टॉपिक होने वाला कि गाइस आप कैसे बिल्कुल फ्री में डायमंड्स ले सकते हो, उसी के साथ बिल्कुल फ्री में आप कैसे रेडीम कोड ले सकते हो हमारे गेम के अंदर, वो हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी लोगों को रेडीम कोड काफी ज्यादा पसंद है, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो फाइनली मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है जहां से मैं आपको बिल्कुल फ्री में रेडीम कोड दिलवा सकता हूं, तो वो ट्रिक बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले 4th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। गाइस फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल तरफ से कुछ पोस्ट वगैरह आ चुके हैं जहां पे गाइस हमें काफी सारे क्लूज मिल चुके हैं कि हमारे एनिवर्सरी इवेंट के अंदर हमें कौन से फ्री कैरेक्टर्स वगैरह मिलने वाले और भी काफी फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो वो जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को देने वाले हैं। उसी के साथ बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले इन गेम इवेंट्स के बारे में, क्योंकि भाई लोग आज की मतलब आज की डेट पे भाई काफी सारे इन गेम इवेंट्स वगैरह आ रखे हैं। तो भाई लोग हर एक इवेंट हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे जिससे सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। सो आज की वीडियो को स्किप करना बिल्कुल नहीं बनता है, वीडियो का पूरा देख के जाना क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो से मिलने वाली है। चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल को पर नए हो तो बस सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लो, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर लेना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, ठीक है, तो मेरे को बता सकते हो आप कमेंट में आपको नोटिफिकेशन आती है या फिर नहीं। अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर लो, देन सारी चीजें ठीक हो जाएंगे एंड आपको नोटिफिकेशन भी आने लगेगी डेली के डेली। चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो उसके बाद ये सारे प्रोसेस करना फ्री डायमंड्स के लिए। तो आप लोग क्या करना है, फेसबुक एप्लीकेशन जो कि आप सभी लोग यूज जरूर करते होंगे, फेसबुक के ऊपर जाके आप लोग को सर्च करना है रॉक्स गेमर्स। ठीक है, रॉक्स गेमर्स सर्च करने के बाद आप लोग इस पेज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट आपको फॉलो वाले बटन के ऊपर टैप कर देना है एंड सिंपल में बोलो तो भाई आप लोग को जाकर मुझे फॉलो करना है, उसके बाद मुझे लाइक करना है इस पेज को। ठीक है, बस इतना करने के बाद जैसे आप लोग इतना कर लेते हो तो भाई लोग आप लोग यहाँ पर जैसे मेरे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट करवाओगे हमारे फेसबुक पेज के ऊपर तो भाई बहुत ज्यादा मेगा गिवअवे होने वाला है, जहां पर हम आपको बिल्कुल फ्री में रेडीम कोड भी प्रोवाइड करने वाले और बहुत सारी और भी चीजें आप लोग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर मेरे को उसका कॉन्टैक्ट मिल जाता है तो भाई लोग आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा मैं आपको फ्री रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ हमारे गेम के अंदर, जो कि आप लोग मेल बॉक्स के अंदर भी ले पाओगे। ठीक है, जस्ट आपको इतना ही करना है कि जाकर फेसबुक के ऊपर फॉलो करना है, बस आप लोग को वेट करना कि जल्दी से जल्दी हमारे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाए, अपने उसके बाद अपने दोस्त वगैरह को भी बोल देना कि भाई जाकर इसको फॉलो कर लो। ठीक है, तो भाई लोग यहाँ पे बस इतना ही आप लोग करना है, इसको सर्च करना है रॉक्स गेमर्स का जाकर फॉलो करना है फ्री डायमंड्स के लिए। बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आपको काफी सारे इवेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे, तो वो सारे इवेंट्स कैसे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मैंने सुबह कोई भी वीडियो नहीं डाली थी इन सारे इवेंट के ऊपर एंड मैंने बोल रखा कि भाई आप लोगों को सारे इवेंट मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग कोई और चैनल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से कहीं पहले सारे बैनर्स को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा यहाँ पे जो भी इवेंट्स वगैरह आ रखे हैं हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट वाले सेक्शन के ऊपर चलते हैं फटाफट से और यहाँ पे शायद से अवेलेबल है लॉगिन। देखो पहले यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, लॉगिन रिवॉर्ड के ऊपर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में बिल्कुल फ्री में 3 डायमंड वाउचर। तो ये गाइस आप लोगों को जो वाउचर है बिल्कुल फ्री में बस गेम ओपन करने को मिलने वाला है 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को जस्ट आपको गेम ओपन करना, उसके बाद आपको फ्री में 3 डायमंड वाउचर मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे इवेंट के ऊपर आओगे तो भाई लोग यहाँ पे कुछ टोकन मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इवेंट होने वाला है 8 से लेकर 16 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, 8 से लेकर 16 अगस्त तक, और यहाँ पे आपको ये वाला टोकन मिलेंगे जो कि ऑरेंज बैलून टोकन है। ऑरेंज बैलून टोकन के लिए आप लोग क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा 3 टाइम, मतलब उसके बाद यहाँ पे बुया करना है 2 बार सीएस के अंदर, फिर 2 बार बैटल और मोड खेलना, उसका 100 मिनट गेम खेलना है। ठीक है, ऐसा करके गाइस आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में टोकन कलेक्ट कर पाओगे और मेरे ख्याल से गाइस शायद 4 बजे सुबह ये इवेंट रीसेट भी हो सकता है मेरे ख्याल से शायद से। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर आओगे तो भाई हाँ इवेंट रीसेट होगा क्योंकि यहाँ पे बैलून के टोकन आप लोग ज्यादा पड़ने वाले। उसके बाद के जैसे आप लोग ये कर लेते तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे ये वाला जो बंडल है जो कि आप लोग देख सकते हो जो कि काफी ओपी बंडल है, ये वाला बंडल आपको बिल्कुल फ्री में 15 अगस्त को मिलने वाला है। 15 अगस्त के वाला बंडल आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए लेने के लिए आप लोग को एक और टोकन की जरूरत पड़ने वाली होगी जो कि ग्रीन बैलून टोकन होगी। तो भाई लोग अगर आप लोग को जानना है ग्रीन बैलून टोकन कैसे मिलने वाला तो मैं आपको इतना बता सकता हूं फिलहाल के टाइम पे कि भाई लोग यहाँ पे ग्रीन बैलून टोकन आप लोग को माइलस्टोन दिया गया यहाँ पे, मतलब हमारे इवेंट के अंदर आप लोग को मेल बॉक्स के अंदर यहाँ पे ग्रीन बैलून टोकन मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ग्रीन बॉक्स जो ग्रीन बैलून टोकन है मेल बॉक्स के अंदर भी मिलेगा, उसके साथ ये भी हो सकता है कि आप लोग को गाइस यहाँ पे थोड़ा गेम वगैरह खेलने के बाद आफ्टर मैच ड्रॉप के ऊपर भी देखने को मिल जाए। ठीक है, बट ये जो मैंने आपको बताया माइलस्टोन कंप्लीट वाला वहाँ पे आपको कंफर्म मिलने वाला, इतना तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ आपके मेल बॉक्स अंदर। तो भाई लोग इसके बारे में हम लोग बाद वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर आप लोग उसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में ऐड कर लेंगे, बट आप लोग बता देना आप लोग को जानना होगा। तो भाई लोग उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे एक और इवेंट जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्या है, बुया फॉर योर सिटी एंड प्ले एंड विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अवेलेबल है फेस पेंट जो कि हमारे इंडिया रीजन का है, उसके बाद इंडियन रीजन के बाद आप लोग को डैशिंग ब्लेड नाम था जो कि बांग्लादेश वाला पड़ेंगे, गिरना काफी सस्ते काम करता है, मतलब देख रहे हो बांग्लादेश का रिवॉर्ड यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद ये देखो ये काफी अच्छा काम किया कि एयर स्पीड का फीमेल बंडल जो कि AWE बंडल है ये भी आपको फ्री में मिल रहा है,
था उसका यहाँ पे गोल्ड वाउचर भी फ्री में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली गाइस अभी गेम के अंदर इसका इवेंट वगैरह नहीं आ रखा है, बट जल्दी गाइस आप लोगों को गेम के अंदर हमारा इसका इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे गाइस आपको ये चारों रिवॉर्ड्स बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले। तो आप लोग इसके लिए रेडी जरूर से रहना, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में चार रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे देखो वही जो बोला था ना आपको, यहाँ पे जो ग्रीन बैलून टोकन है 20 टोकन मिलेगा गेट फ्री में लिखा हुआ है, तो ये आपको शायद मेल बॉक्स के अंदर डायरेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा था मैं। तो यही सारी गाइस आज के दिन गेम के अंदर इवेंट्स वगैरह आ रखे, जो कि मैंने आपको सारे इवेंट्स अभी एक्सप्लेन कर दिए, और आई होप गाइस आपको सारे इवेंट्स वगैरह क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में, कुछ बंडल्स के बारे में, जो कि आप लोग हमारे इस गेम के अंदर काफी जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। यहाँ पे गाइस आप एक बंडल देख सकते हो जो कि पता नहीं क्या बंडल है भाई लोग, यहाँ पे देखे कुछ भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा इस बंडल को देखे, तो बंडल लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है भाई एलियन वगैरह बना दिया गया इस बंडल को। तो भाई लोग इसके पीछे से पहले 2 बड़े पंख निकले हुए हैं, या फिर जेट बोल सकते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसका पैंट वगैरह देखने में तो थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी यहाँ पे पूरा बंडल थोड़ा अजीब सा है, देखने में काफी अटपटा सा लग रहा है और चुप भी रहा है। यहाँ पे देखो भाई इसके सर पे पता नहीं क्या डाला गया, लग रहा है बकेट का हैंडल डाल दिया गया इसके सर के ऊपर, ठीक है। उसका मुंह का देखो भाई काफी अजीब सा है, और जैकेट भी भाई इसकी काफी अजीब से आप लोग को देखने को मिल रही है। सो भाई लोग ये वाला जो इवेंट है आप लोग को ये कोई वेब इवेंट के अंदर अवेलेबल होगा जहां तक मुझे बताया गया, और भाई लोग अगर एक बार इवेंट कंफर्म होता है तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। बाकी बंडल तो देखने में काफी अजीब सा लग रहा है, और मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग ऐसे बंडल को निकालो, क्योंकि बस वेस्ट ऑफ डायमंड होने वाला है। उसका ये फीमेल का बंडल होने वाला है, इसके पीछे भी एक जट निकाला गया, फिर भी गाइस यहां पे फीमेल के बंडल पे फिर भी थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है मेल के बंडल से, ठीक है। मेल का बंडल तो एकदम मतलब अजीब ही बंडल बना दिया गया था, बाल्टी का बकेट का जो होता नहीं है हैंडल उसको लगाया गया था उसके सर के ऊपर, ठीक है, एकदम अजीब ही था। उसके बाद यहाँ पे इसका फीमेल का जो आप लोग हेयर स्टाइल देख सकते हो वो काफी अच्छा बनाया गया, ये तो मेल से काफी ज्यादा बेहतर है देखने में। और ये सारी चीजें आप लोग को हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगी, मेल फीमेल का बंडल दोनों एक ही इवेंट के अंदर आएगा, बट कब तक आएगा, जहां तक मुझे लगता है कि 1.5 महीने के अंदर आप लोग को इवेंट देखने को मिल जाएगा इसका। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर देना, आपको गेम के अंदर आने वाले हर एक इवेंट अपडेट वगैरह पता चलते रहेंगे, जो भी आने वालों का सबसे पहले गाइस हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद वीडियो को लाइक भी करके कमेंट जरूर से करना। चलो अब हमारी फाइनल टॉपिक आ चुकी है, जो कि हमारी 4th एनिवर्सरी इवेंट की है, एंड 4th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर हमारे कुछ इवेंट्स वगैरह हमारे सामने आ चुके हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। उसी के साथ गाइस यहां पे पहले पोस्टर दिखाएंगे जो कि फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल की तरफ से हमारे सामने निकल के आए हैं, और इस पोस्टर के अंदर साफ साफ लिखा है गेस हु विल रिटर्न। और गाइस यहां पे आप लोग पीछे देख पाओगे तो भाई लोग यहां पे लिखा हुआ है कि भैया आप लोग को डीजे आलोक और के कैरेक्टर की फोटो देखने को मिल रही है। तो देखो आप सभी लोगों को पता है हमारे 4th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर 2 नए कैरेक्टर आने वाले, दीमती नाम के और एक थीवास नाम से कुछ नाम से कैरेक्टर आने वाला, 2 कैरेक्टर, बट यहाँ पे लिखा है रिटर्न, मतलब जो हमारे गेम के अंदर पहले से अवेलेबल है वो वापस से आएगा, ऐसा कुछ करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी बन रही है वो हमारे जय कैरेक्टर के आने की बन रहा है, जो पोस्टर के अंदर 2 फोटो डाली गई वो हमारे डीजे आलोक और के कैरेक्टर की है, और वो सारे कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आ रही है, जो कि ये थ्योरी है कि हमारे डीजे आलोक कैरेक्टर को टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 1 ईयर, और गाइस आप लोग को पता है 4th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि फ्री में कैरेक्टर्स इवेंट डालते हैं, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पे आपको हो सकता है कि डीजे आलोक जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए गेम के अंदर, क्योंकि भाई गिरना का जो पोस्टर आता है ना उसके अंदर हमें काफी सारे हिंट मिलता है, जैसे कि इसमें आस्क किया गया है आपसे क्वेश्चन, तो भाई ऐसे पोस्टर में हमें काफी सारे हिंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसके चलते मैंने आपको बता दिया कि भाई आप लोग को इस पोस्टर से क्या कहने का मतलब है, और यहाँ पे कुछ जो भी अगर मेरे पास श्योरिटी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग को शायद डीजे आलोक फ्री में देखने को मिले, या फिर यहाँ पे हम लोग को ये यहाँ पे मतलब कि बताया जा रहा है कि आप लोग को गेम के अंदर 2 न्यू कैरेक्टर आने वाले उनके बारे में बात हो रही है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक बाहर के सर्वर पे इवेंट आ रखा है, जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल है मॉन्स्टर ट्रक, और ये वाले जो मॉन्स्टर ट्रक के स्किन हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी 100% गारंटेड है कि आप लोगों को फ्री में देखने को मिलने वाली, बट बाहर सर्वर के ऊपर इवेंट अवेलेबल हो चुका है। मॉन्स्टर ट्रक हमारे 4th एनिवर्सरी ट्रक, ठीक है, 4th एनिवर्सरी इवेंट के ऊपर बेस्ड आप लोग को देखने को मिल जाएगी हमारे गेम के अंदर, और भाई लोग यहाँ पे तो अवेलेबल हो गया, बाकी हमारे गेम के अंदर भी आप लोग को 4-5 दिन के अंदर ये वाला मतलब कि इवेंट वगैरह जो हमारे गेम के अंदर भी डाल दिया जाएगा, और 28 तारीख को भाई इनका पीक डे होने वाला है। तो भाई हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी यही पॉसिबिलिटी 28 तारीख को ही पीक डे देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे इवेंट आते हैं मतलब जैसे 4th एनिवर्सरी हो गया तो भाई लोग यहाँ पे पीक डे सबका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे यही बात निकल के आती है कि भाई आपको 28 तारीख को उसका पीक डेट देखने को मिलने वाला है, उस दिन लॉक इन रिवॉर्ड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और भी आइटम्स वगैरह आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे, और हमारे गेम के अंदर जो 4th एनिवर्सरी का इवेंट है वो आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 हफ्ते के अंदर नहीं मान लो कि यहाँ पे 1 मतलब कि थोड़े ही दिन के अंदर आप लोग को इवेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की वाली वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली गाइस आप लोग ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर देना। चलो गाइस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।